हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं शंकर और आप देख रहे हैं शंकर्स डिजिटल क्लासरूम। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण के तहत फिर से शौचालय योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है, यानी कि ये फेज टू का है। सरकार आपको 12,000 रुपये देगी आपको बाथरूम बनाने में, वो भी किस्तों में देती है सीधे आपके बैंक अकाउंट में। इसके लिए दो तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। पहला जो होता है, आपके गांव के जो मुखिया सरपंच होते हैं या जो भी आपके होंगे, आपको उनके पास जाना होता है और मैनुअल फॉर्म आपको भरना होता है। लेकिन दूसरा जो प्रोसेस है, इसके लिए ये ऑनलाइन है कंप्लीट। आप घर बैठे अपने मोबाइल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सीधे अपने खाते में 12,000 रुपये आर्थिक सहायता शौचालय बनाने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी इस वीडियो में आपको गाइड कर दूंगा। तो आपको वीडियो को पूरा देख लेना है और खुद से अप्लाई कर लेना है और सीधे आपके अकाउंट में 12,000 रुपये आ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, कैसे भरते हैं शौचालय योजना के लिए फॉर्म, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस प्रोसेस को आप मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, कहीं से भी ऑनलाइन घर बैठ कर ही फिलअप कर सकते हैं। सिंपली आपको इस वाले वेबसाइट पर आ जाना है, स्वस्थ भारत मिशन .gov.in पर, ठीक है। और आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सीधा नीचे स्क्रॉल करना है, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHHL, मतलब आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो फिर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको पहले यहाँ पर देना होगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड। अकाउंट तो आपके पास है नहीं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिटीजन रजिस्ट्रेशन में जा करके आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा। यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, जिनके नाम पर आप अप्लाई करेंगे उन्हीं का नेम देंगे, सही सही जो आधार से मैच होता हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल, और यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल देंगे, फुल एड्रेस डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा स्टेट का लिस्ट है भारत में जितना भी स्टेट है, कोई भी छूटा हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड वाले पर ये जो सिक्योरिटी कोड है आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर लिखेगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर, काइंडली यूज योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज यूजर आईडी, एज लॉगिन आईडी, पासवर्ड का लास्ट 4 डिजिट है वो आपका पासवर्ड होगा। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है यूजर नेम और पासवर्ड है आपका मोबाइल नंबर का लास्ट जो 4 डिजिट है वो पासवर्ड होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप यहां से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से आप जाएंगे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था। यहां पर मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट जो आपका पासवर्ड होगा। उसके बाद यहां पर ये सिक्योरिटी कोड डाल लेना है, उसके बाद आप साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप नए यूजर होंगे तो आपको पासवर्ड अपडेट करने के लिए बोल सकता है। आप पासवर्ड अपडेट करेंगे तो उसके बाद आपको आपका प्रोफाइल नजर आएगा, जैसे कि आपका नेम, एड्रेस वगैरह सब रहेगा, ठीक है। आपको इस इधर में 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप अभी जाकर के यहां से चेंज पासवर्ड कर लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लीजिएगा। कोई पासवर्ड, कोई भी एप्लीकेशन आप भर लेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन उसका ट्रैक का स्टेटस मिल जाएगा। हमें अभी क्या करना है, हमें नया वाला न्यू एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। तो हम न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको IHHL एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर स्टेट भरा था वहाँ से ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर आपका ब्लॉक का नेम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। उसके बाद पंचायत का नाम, जैसे हम पंचायत का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप सब विलेज का नाम सेलेक्ट करने बोलेगा। उसके बाद हैबिटेशन, ठीक है। तो जैसे कि आप ये सब सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप आएंगे नीचे में, यहाँ पर आएगा सेक्शन बी का टॉयलेट्स ओनर पार्टिकुलर, मतलब कि जो भी अपने नाम पर अप्लाई कर रहे हैं उनका अपना यहाँ पर सही सही नाम देना होगा एज पर आधार, ठीक है। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और वेरीफाई आधार नंबर वाले पर क्लिक कर देना है, इससे आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर फादर नेम डाल सकते हैं, कोई लड़का अगर कर रहे हैं तो, कोई मतलब कि मेल है तो यहाँ पर अपने फादर का नेम दे देंगे, कोई मतलब फीमेल कर रही है तो वो अपना हस्बैंड का नेम दे सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, APL है या BPL। इतना कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करने की आएगा। वुमेन हेड है घर का तो ठीक है, PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, SC ST स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो भी अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड टाइप में आधार कार्ड ही सेलेक्ट रहेगा, कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। आप जब ये वेरीफाई आधार करेंगे तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर ले लेगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, कोई ज़रूरत नहीं है डालने का, ऑप्शनल है, लेकिन आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे फुल, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए आधार कार्ड से।
उसके बाद आपको यहाँ पर IFSC कोड डाल लेना है अपना बैंक अकाउंट का। नहीं पता है तो यहाँ से नो योर IFSC कोड पर पता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना बैंक का नेम और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो बता देगा IFSC कोड, ठीक है। नेम ऑफ द बैंक क्या है आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद ब्रांच कहाँ पर है, ब्रांच ऑफ द बैंक, ब्रांच एड्रेस, बैंक स्टेट मतलब कौन से राज्य में बैंक है, बैंक का जिला कौन सा है, बैंक डिस्ट्रिक्ट, ये ऑप्शनल है, भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल लेना है। उसके बाद आपको कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आपको अगर पासबुक का प्रिंटेड है तो आपको यहाँ पर लगा लेना है, या आपको मतलब पासबुक का फोटो क्लिक करके PDF फाइल में होना चाहिए, JPG, PNG ये सब फॉर्मेट्स अलाउड है। इसके बाद आपको यहाँ पर साइज होना चाहिए 200 MB से कम। फाइनली आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। आप उस ट्रैकिंग नंबर को यहाँ पर आएंगे व्यू एप्लीकेशन पर, आप इससे यहाँ पर जाकर के आपका कहाँ तक पहुँचा है आप यहाँ पर जाकर के ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस से आप अपना जो है स्वस्थ भारत मिशन के तहत शौचालय योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पा सकते हैं 12,000 रुपया किस्तों में अपने अकाउंट में। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये बातें पता चल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे आपसे किसी और वीडियो में। बाय।